Om Shanti. 30th January 1988. Pehla group. Kumaron ki visheshta kya hai? Kumar jeevan shreshth jeevan hai kyunki pavitra jeevan hai aur jahan pavitrata hai wahan shreshthata hai. जहाँ पवित्रता है वहाँ खुशी है, सुख शांति है. जहाँ पवित्रता है वहाँ नेचुरल फैशन. जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है. कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते. कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले. ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो. स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र बनाने का, पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो. ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो. जो दुनिया वाले क्या समझते हैं, असंभव समझते हैं, वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं. जो हमारे जैसा पवित्र कोई हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान. दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन नहीं बन सकते. आप सहज ही पावन बन गए. सहज लगता है ना, या दुनिया वाले जैसे कहते हैं यह अननेचुरल है, ऐसे लगता है. कुमारों की परिभाषा ये है, चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले. दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले आते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो. उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो. ऐसे होना. तो 30 तारीख की मुठी है, जनवरी 88. कुमारों से मुलाकात. बाबा कह रहे कुमारों की विशेषता क्या है. कुमार अर्थात श्रेष्ठ. कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है. कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं. कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले. ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वह कर्म में ला सकते हो. स्वयं भी पवित्र रहे और औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो. ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो. जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं, वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं. तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है. दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते, लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते. आप सहज ही पावन बन गए. सहज लगता है ना, या दुनिया वाले जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अननेचुरल है, ऐसे लगता है. कुमारों की परिभाषा ही है, चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले. दुनिया वाले अपने साथियों का रंग के को संग के दोष में ले आते हैं, और आप बाप के संग में ले आते हो. उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो. ऐसे होना. तो कुमारों की विशेषता क्या है. कुमार जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन, पवित्र जीवन. कुमार अर्थात जो चाहे वो कर सकते हैं. कुमार अर्थात बाप
पाप के संग का रंग लगाने वाले, कुमार अर्थात चैलेंज करने वाले, जो दुनिया को असंभव लगता है, जो दुनिया जिसे अननेचुरल कहती है, एबनॉर्मल कहती है, पैथोलॉजिकल कहती है, उसे तुम नेचुरल कहते हो, कुदरती कहते हो, प्राकृतिक कहते हो, वो अप्राकृतिक कहती है, गैर कुदरती, और तुम उसे प्राकृतिक, नेचुरल और कुदरती कहते हो। कुमार अर्थात महान, कुमार अर्थात श्रेष्ठ, कुमार अर्थात बंधन मुक्त बनने वाले और दूसरों को भी बनाने वाले। दुनिया जिसे अननेचुरल कहती है, उसे हम नेचुरल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा अनादि संस्कार है, आदि संस्कार है, ये हमारा स्वधर्म है, क्योंकि ये हमारा मूल संस्कार है, क्योंकि हमारे सारे ही जन्म अगर देखा जाए तो इसी संस्कार पर आधारित है, या फिर भगवान ने आकर ये स्मृति दिलाई है, इसके लिए ये नेचुरल हो गया। परमधाम में जब आत्मा है तो वहां शरीर है ही नहीं, वहां उसका संपूर्ण स्वरूप पवित्र स्वरूप है। जब सतयुग में है तो वो देह भी पवित्र है, वहां देह भान नहीं है। जब द्वापर में है तो हमारा वास्तविक स्वरूप वह है जिनकी पूजा हो रही है, और संगम युग पर भगवान ने आकर जन्मते ही वरदान दिया है योगी और पवित्र भाव का, और हमारा जो पांचवा स्वरूप है वो भी संपूर्ण पवित्र है। तो ये स्मृति, और इस स्मृति में टिकने से वो पवित्रता नेचुरल हो गई है, या नेचुरल आत्मा धारण करने का प्रयत्न कर रही है। अब संसार इसे एबनॉर्मल, अननेचुरल कहती है। क्यों? एक सबसे मुख्य कारण तो क्योंकि विकार परंपरा से चालू है ये धारणा। दूसरा, उन्हें सतयुग और त्रेता का कोई ज्ञान नहीं है। तीसरा, उन्हें परमधाम का कोई ज्ञान नहीं है। इसके लिए जो तथाकथित धर्म नेता, धर्म गुरु, धर्म के ठेकेदार या स्पिरिचुअलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट जो भी है, या फिर स्पिरिचुअलिस्ट जो अध्यात्म में जिन्होंने उन्नति भी की है, उन सभी को ये किसी को ही नहीं पता कि हम कभी देवता थे। वो ये मानते हैं कि देवता स्वर्ग में रहते थे, परंतु वो हम ही थे, इससे अनभिज्ञ है। इसके लिए अननेचुरल समझा गया है। एक है पूर्व के देश, एक है पश्चिम के देश, दो, एक इधर ईस्ट और एक वेस्ट, ऑसिडेंट और ओरिएंट। ये जो दो है, भारत में द्वापर से ही जो भी साधु संत और योगी महात्मा आए और सन्यासी आए, उन्होंने इसे बहुत अच्छा माना, परंतु जो भारत में हुआ वो हुआ सेपरेशन। सभी ने इसकी ग्लानी की जो भी अध्यात्मवादी थे, परंतु जितनी अधिक ग्लानी की उतना ही अधिक वो दबा और बाहर निकला। भारत में जो हुआ वो सप्रेशन हुआ, सप्रेस करते गए, क्योंकि काम एक प्रचंड शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है। जैसे बाकी एनर्जी होती है, वैसी ये भी बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो इस शक्ति को दबाया, इसकी ग्लानी की, इसको महाशत्रु या जो कुछ कहा, परंतु किस आधार से कहा? क्योंकि कुछ आत्माओं को अनुभव हुए श्रेष्ठ, सबको नहीं हुए। तो उन्होंने उस आधार से, उस ब्रह्मचर्य की शक्ति के आधार से कहा कि इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाना है। एक है ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है जहां काम विलीन हो जाए, रहे ही ना। एक है उसके विरोध में जाकर खड़े हो जाना। जब विरोध में जाके खड़े होता है तो वो भी रहता है और हम भी रहते हैं, वो दोनों ही रहते हैं।
उसके ऊपर निकल जाना। जब उसके ऊपर निकल जाते हैं तो केवल वही रहता है, वो नीचे वाला नहीं रहता है। एक तो काम होगा तो ब्रह्मचर्य नहीं होगा, ब्रह्मचर्य होगा तो काम नहीं होगा। संपूर्ण ब्रह्मचर्य अर्थात काम जहां संपूर्ण समाप्त हो जाए, विलीन हो जाए, रहे ही ना। टोटल ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसफिगरेशन, टोटल सब्लिमेशन, वो वास्तविक लक्ष्य है। परंतु पूर्व में जो हुआ वो सपरेशन, काम को दबाया गया, दबाया गया, दबाया गया, बताया गया सब जगह, सभी ग्रंथों में है। काम शत्रु है, काम महाशत्रु है, नरक का द्वार है, बताया तो गया है। परंतु कोई ऐसा कोई स्मृति नहीं है, ऐसी कोई साधना नहीं है कहीं पर भी जिससे वो काम से परे निकल सके आत्मा। इसके लिए वो जितना दबाया गया उतना ही वो उपन्यास, ग्रंथ, नाटक से बाहर निकला, जितना जितना दबाया गया। नहीं तो उसका निकलने का कारण क्या है? क्यों इतना वो प्रचंड रूप से आज सारे विश्व भर में फैला हुआ है? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। प्राणियों के जगत में तो ऐसा नहीं, इधर मनुष्य के जगत में ये बहुत ज्यादा है। उन आदिवासियों को देखो, उन जगत में इतना नहीं है जो सुशिक्षित है, कल्चर्ड है, सुसंस्कृतिक, ऐसे जो लोग हैं वहां वो और अधिक है। क्योंकि यहाँ समाज एक तरफ उसको सप्रेस कर रहा है, उसको बुरा बता रहा है, और सप्रेस किया नहीं जा रहा है। इसके लिए वो विकृत स्वरूप से, परवर्टेड फॉर्म से बाहर आ रहा है। नॉवेल्स, बुक्स, सिनेमा, मूवीज, मंदिर, टेम्पल्स, वहां की मूर्तियां, वहां से अभिव्यक्त हो रहा है। जितना उसको दबाया गया वो कहां कहां से अभिव्यक्त हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इस मार्ग से उसने मार्ग निकले, क्योंकि उसको जितना दबाओ, क्योंकि वो प्रचंड शक्ति है। तो भारत में जो हुआ है वो है सपरेशन, और सपरेशन से उसने और ही विकराल रूप धारण कर दिया। और आज सारे विश्व भर में जितना काम का प्रकोप है उतना और शायद ही किसी और विकार का है। जहां देखो, जो किताब खोलो, जो उपन्यास खोलो, जो टीवी चैनल देखो, कोई भी सीरियल देखो, कहीं पर भी देखो, किसी के भी जीवन में झांको, काम ही काम, ये काम है और कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को देखो, बच्चों से लेके तब बूढ़े तक, वो एक ही है। एक तो इधर ये हुआ पूर्व में, पश्चिम में कुछ और हुआ। पश्चिम में सप्रेशन नहीं हुआ, पश्चिम में इंडल्जेंस, भोग हुआ। और उस वजह से एक दूसरा कॉन्सेप्ट वहां आया, फैंटेसी, कल्पना। कल्पना में भोगना, कल्पना को जितना बढ़ाया गया, जितना भोगे उतनी कल्पना और बढ़ी, और फैंटेसी, और विजुअलाइजेशन, ये 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 भी, ये भी, ये भी। इसके लिए वहां पर भी जो अंतिम जो परिणाम है वो भी असंतुष्टता है। क्योंकि कितना भी कल्पना करो, वास्तविक में उतना आनंद नहीं है। कल्पना में आनंद अधिक है, वास्तविक में उतना आनंद नहीं है। जितना एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से रखते हैं उतनी वास्तव में कभी पूर्ण नहीं होती है। ये देह जो है लिमिटेड है, इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इच्छाओं को लिमिटेड देह के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो एक तरफ सेपरेशन, दूसरी तरफ फैंटेसी, कल्पना है, एक के बाद एक कल्पना है। परंतु उन कल्पनाओं की कभी कोई अंत नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता है कि हमेशा किसी का देह वैसा ही रहे। ऐसा हो नहीं सकता कि उस देह से पसीना न आए। ऐसा हो नहीं सकता कि वो देह बूढ़ा न हो। ऐसा हो नहीं सकता कि वो देह बीमार न पड़े। ऐसा हो नहीं सकता कि वो स्त्री और वो पुरुष कभी क्रोधित न हो, हमेशा ही मीठे रहे एक दूसरे के प्रति। ऐसा हो नहीं सकता। परंतु एक्सपेक्टेशंस में वो है, कोई भी पुरुष कभी भी किसी स्त्री को संतुष्ट नहीं कर सकता, कोई भी स्त्री कभी किसी पुरुष को संतुष्ट नहीं कर सकती। हाँ, एक भ्रम निर्माण जरूर होता है कि हम संतुष्ट कर रहे हैं, परंतु भ्रम मात्र है, क्योंकि देह की लिमिटेशंस है। इच्छाएं अनलिमिटेड है,
कल्पना जो है, इमेजिनेशन जो है, विजुअलाइजेशन जो है, फैंटेसी जो है, वो अनलिमिटेड है। उस जगत में वो रहा है क्योंकि भोग की छूट दी है वहां पर उस फ्रीडम से, परमिसिव सोसाइटी, उस फ्रीडम की वजह से सेक्सुअल फैंटेसीज, और अंतिम रिजल्ट वहां पर जो हुआ वो असंतुष्ट था। भारत और पूर्व के देश में जो हुआ वो भी असंतुष्ट था। क्यों? क्योंकि सप्रेस्ड हुआ है यहाँ पर, रिप्रेशन हुआ है, उसका दमन हुआ है वहां पर, और जितना ही दमन उतना ही उसने अपना विकराल रूप धारण किया है, और अल्टीमेट रिजल्ट है चाहे इधर चाहे उधर, इट इज अननेचुरल, एबनॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। क्या? संपूर्ण ब्रह्मचर्य, क्योंकि इधर भी संभव नहीं हो पाया, उधर भी संभव नहीं हो पाया, उधर भी संतुष्टता नहीं मिली, इधर भी संतुष्ट नहीं मिली। एक फिर दूसरा मार्ग इधर जो निकाला गया वो था भय। भय, उससे दूर हो जाओ, उसके बारे में सोचो ही नहीं। परंतु जितना उससे भयभीत हुए और उससे दूर भागे, और ही उसने ग्रसित किया। उधर ग्रीड, इधर फियर, इधर सेपरेशन, उधर फैंटेसी। इस तरह से ईस्ट और वेस्ट विभाजित हुआ है हमेशा से, और संतुष्टता कभी नहीं आई। परंतु और जो काम की जो ऊर्जा है वो इतनी प्रचंड ऊर्जा, इतनी प्रचंड ऊर्जा है कि यह ऊर्जा ही जाकर ब्रह्मचर्य का वो तेज बनती है। जो चक्र दिखाते हैं, सबसे नीचे जो है वो मूलाधार चक्र, और सबसे ऊपर जो है वो सहस्त्रार चक्र, इन चक्रों में ये ऊर्जा बहती है। जब ये ऊर्जा काम में जाती है तो संपूर्ण शक्ति नीचे की ओर जाती है, मूलाधार पर सारा रक्त सारे शरीर की एनर्जी नीचे की ओर जाती है, और ये प्रचंड शक्ति उस क्रिया में, काम वासना में खर्च हो जाती है। और क्योंकि ये एक एनर्जी है, बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे ही वो शरीर से जाती है, क्षणिक तन बदन में परम शांति का अनुभव होता है, एब्सोल्यूट पीस। परंतु वो पीस एक बहुत बड़ी कीमत देकर पाया हुआ पीस है, शांति है, और वो शांति थोड़े समय रहती है और फिर चले जाती है, एंड इट टर्न्स इनटू, उसके बाद में फिर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन आता है। इसके लिए क्षणिक शांति का अनुभव मात्र होता है, परंतु कितनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद वो शांति प्राप्त होती है, काम से उत्पन्न जो सुख है वह। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति, बहुत सारे हीरे हैं जिसके पास, वो हीरे लेकर गया दुकान में और कौड़ी के भाव बेच कर आया, और अपने घर में आके कहता है कि आज मैंने बहुत फायदे वाला धंधा किया है, आज बहुत प्रॉफिट हुआ है, बहुत मुनाफा हुआ है। क्योंकि ये जो एनर्जी जो है, प्रचंड शक्ति है, जैसे ही वो नीचे जाएगी, शरीरों को निर्माण करेगी, नए शरीरों को निर्माण करेगी, उसमें नई नई आत्माएं आएगी, तो ये जो वाइटल फोर्स और वाइटल एनर्जी जो है, ये साधारण नहीं है, जिससे नया शरीर उत्पन्न हो सकता है, एक गांधी एक आइंस्टाइन उत्पन्न हो रहा है, वो शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसका नीचे बह जाना ही ब्रह्मचर्य का खंडन है, चाहे वो किसी भी मार्ग से, किसी भी संकल्प से, जो जो संकल्प उसको नीचे बहा रहा है, वो सभी संकल्प कामुकता की ओर ले जाने वाले, सभी संकल्प का आना ही ब्रह्मचर्य का खंडन है। तो शक्ति मूलाधार, एक है मूलाधार, एक है सहस्त्रार, यहां आज्ञा। इससे वो जब नीचे की ओर जाती है, संकल्प और शक्ति का बह जाना, संकल्प इंद्रिय और शक्ति का बह जाना, शक्ति वैसे ही नहीं जाएगी, इंद्रिय अपने आप उत्तेजित नहीं होगी, उसके पहले संकल्प चाहिए। थ्री स्टेजेस है, संकल्प, थॉट, एक्साइटमेंट, और उसके बाद में डिस्चार्ज। एनर्जी इस तरह से फ्लो होती है। यदि
ये संकल्प ही ना आए तो एक्साइटेशन ही नहीं होगा, एक्साइटमेंट ही नहीं होगा और वो एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। सतयुग में जो इंद्रिया है उनके जो हार्मोन्स है और हार्मोनल डिस्चार्ज वहां नहीं है, लक्ष्मी नारायण और वहां के देवताओं के, वो जो डिस्चार्ज चालू हुआ द्वापर से चालू हुआ है। इसके लिए देवताएं जो है उनके जो सिक्रीशंस है देह के वो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, द्वापर से वो जो सिक्रीशंस है वो जो स्त्रव है वो बाहर की ओर जाते हैं, तो वहां शक्ति का ह्रास होता है। तो इन स्टेजेस में शक्ति नीचे की ओर बहती है और शक्ति नीचे की ओर बहने के लिए उसको बाहर शरीर के जाने के लिए एक प्रचंड एक्साइटमेंट, शरीर की मेंटल एनर्जी फिजिकल एनर्जी वहां खर्च होती है, दोनों ही एनर्जी खर्च होगी और उसके बल पर फिर उसके आधार पर फिर वो क्षणिक शांति की उपलब्धि होगी और वो शांति भी थोड़े समय की शांति है। थोड़े समय के बाद क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति निकल गई फिर एक दुख पीड़ा एक फ्रस्ट्रेशन का भाव एक डिप्रेशन का भाव मन में आता है और उसके बाद में शरीर में थकान होती है, इसके लिए सो जाते हैं काम वासना के बाद। इसके लिए यदि ये जो शक्ति नीचे गई है इसी शक्ति को ऊपर की ओर केंद्रित किया जाए या फिर ऊपर की ओर ये बहने लगे तो वो यहां पहुंचे सहस्त्रार, तो वो जो शारीरिक एनर्जी मेंटल पावर फिजिकल पावर जो नीचे जाने में खर्च हो गई वो खर्च नहीं होगी और ऊपर जाएगी और ऐसी जो आत्मा है वो प्रभावशाली होगी, क्योंकि यही शक्ति जो है वो पवित्रता का बल बनेगी, ब्रह्मचर्य का बल बनेगी, आत्मा में पावर भरेगी, क्योंकि उस क्रिया में बहुत सारे संकल्प जा रहे हैं, उस क्रिया की तैयारी में भी संकल्प का खर्च हो रहे एनर्जी और फिर शक्ति नीचे जाती है। ये जो है क्योंकि यहां सब कुछ बच रहा है तो वो जो एनर्जी है वो ऊपर की ओर जाएगी, इस ओर जाएगी जिसे शास्त्र समाधि कहते हैं, जिसे शास्त्र कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो मूलाधार से ऊर्ध्वरेता योगी जिसे कहा जाता है, ऊर्ध्वरेता योगी ऊर्ध्वरेता तपस्वी, तो शक्ति का ऊपर चले जाना वहां पर ब्रह्मचर्य का स्थापित हो जाना और संपूर्ण पवित्रता फिर वहां सहज होगी। ऐसी आत्मा फिर किसी भी क्षेत्र में जाएगी वहां एकाग्रता होगी, पवित्रता एकाग्रता को जन्म देगी और एकाग्रता से कोई भी ज्ञान किसी भी क्षेत्र का फिर हो, किसी भी क्षेत्र का इस संसार का संसारिक ज्ञान भी चाहे हो, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान को तुरंत खींच लेगी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत आध्यात्मिक ज्ञान को अंदर खींच लेगी। आत्माएं आध्यात्मिक ज्ञान में लंबे समय के बाद भी प्रगति नहीं कर पाती, उसका मूल एक कारण है कहीं ना कहीं अपवित्रता है, अभी अपवित्र बुद्धि इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती। ज्ञान इतना सूक्ष्म है, इसके इतने सूक्ष्म राज है कि वो कैसे ग्रहण करेगी, उसमें एक प्रचंड और दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। वह शक्ति आत्मा में एकाग्रता का बल भरेगी और उस एकाग्रता के बल से कोई भी ज्ञान तुरंत खींच लेगी अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर लेगी, चाहे वो लीगल हो इंजीनियरिंग हो मेडिकल हो भौतिकी हो कोई भी हो इस जगत का इतिहास हो कोई भी ज्ञान हो, क्योंकि एकाग्रता है और ये इतना सूक्ष्म है कि ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये आंतरिक क्रिया है। इसके लिए बाबा कह रहे हैं पवित्रता ही महानता है, क्योंकि महान विचारों को पवित्र आत्मा ही अपने अंदर धारण कर सकती है, महान व्यक्ति अपने विचारों के आधार पर बनता है।
तो कुमार अर्थात श्रेष्ठ जीवन, कुमार अर्थात पवित्र जीवन, कुमार अर्थात महान, कुमार अर्थात अपने संकल्प से। सुना क्या कहा बाबा ने, कुमार अर्थात जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात शक्तिशाली, ये कौन सी शक्ति की बात है, ये पवित्रता की शक्ति की बात है। संडे की मुरली तुम्हारे पास है, वीडियो सेट तुम्हारा यहाँ का है, वीडियो सेट बाप के पास है, एक विल नहीं, बाप के पास विल पावर का सेट नहीं, बाबा के पास जो टीवी सेट है वो स्वयं चलने वाला सेट है, जब चाहो तब उसमें कुछ देखा जा सकता है बच्चों की लीला। बाबा ने कहा यहाँ का जो तुम्हारा सेट है विनाश के समय ये काम नहीं आएगा, समाप्त तो हो जाएगा, विनाश के समय काम आएगा विल पावर का वीडियो सेट या विल पावर का सेट। विल पावर का सेट अर्थात आत्मा में प्यूरिटी की पावर है, तब विल पावर आ सकती है। विल पावर अर्थात इतनी प्रचंड इच्छा शक्ति, इतनी प्रचंड संकल्प शक्ति है कि जो संकल्प करो वो होगा, यह पावर प्यूरिटी की पावर है। तो कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो चाहे वो कर सकते हैं। कुमार अर्थात निर्बंधन, कुमार अर्थात स्वयं भी पवित्र और औरों को भी पवित्र बनाने वाले, कुमार अर्थात चैलेंज करने वाले, कुमार अर्थात जिन्होंने इसको सहज समझा है और नेचुरल बना लिया है। दुनिया सारी जिसे अननेचुरल समझती है, सारा ही जगत इसे अननेचुरल समझता है। क्यों अननेचुरल समझता है, यहाँ तक कि एक बहुत ही खतरनाक वक्तव्य दिया है सिगमंड फ्राइड ने, उसने हजारों आत्माओं को स्टडी किया, एक नहीं वो बहुत बुद्धिमान था, कितने ही लोगों को उसने स्टडी किया। उसने कहा नैतिक बनने का यदि कोई प्रयत्न भी करेगा तो मनोविकारों से ग्रसित होगा, जितना अधिक प्रयत्न किया जाए नैतिक बनने का उतने ही अधिक मनोविकार बढ़ेंगे। उसने ये स्टडी करने के आधार पर कहा, क्योंकि उसने देखा जिन जिन ने जबरदस्ती ब्रह्मचर्य किया वो ज्यादा से ज्यादा पागल बने, मेंटल हॉस्पिटल में गए, डिप्रेशन में गए, जिस जिसने सेक्सुअलिटी को सप्रेस किया वो और ही अधिक इमोरल बने, लक्ष्य जिन्होंने रखा मॉरल बनने का वो और नीचे गए। और इस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट था, पहली बार इस जगत में इस तरह का कॉन्सेप्ट उभर कर आया कि ये तो नेचुरल है, हम क्या कर रहे हैं, ये क्या प्रयत्न कर रहे हैं, क्यों इसको दबा रहे हैं, ये तो है ही नेचुरल। जो बच्चा होता है लड़का, उसका आकर्षण माँ की तरफ होता है, जो बच्ची होती है उसका आकर्षण पिता की तरफ होता है। इसमें बहुत सारे उसने इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए और सारे जगत ने इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लिया, और उस वजह से पिछले 150 साल से ही जो काम विकार इतना भयानक रूप उसने धारण कर लिया इस विकृति के कारण, कि उसको अगर दबाया जाए, और वो कई अर्थों में सही भी था, परंतु उसने जो कुछ भी किया वो माइंड के तल पर किया, उसे उस आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर देखा जाए तो एक रीति से वो राइट है, पर तीन आधार है, एक है शरीर का तल, एक है मन का तल, एक है आत्मा का तल। उसने जो कुछ कहा मन के तल से जो कहा वो सब कुछ सही है एक रीति से, क्योंकि वैसा ही हुआ है जैसा उसने कहा है। जिस चीज को दबाया गया वो और ज्यादा उभर कर आई है, पर उसे ये पता ही नहीं एक तीसरा भी मार्ग है, एक तीसरा भी आयाम है जो कि आत्मा के तल पर है, जो कि भारत में था, पर भारत में भी उसे इतना नहीं समझा गया। और भगवान जब आए तब उस भगवान ने वो मार्ग बताया, समझ का मार्ग। सूत्र है समझ, अंडरस्टैंडिंग, भागना नहीं है उसे, भय नहीं है, ना ही उसे भोगना है, ना ही वो ग्रीड है। इट इज नॉट सेपरेशन, इट इज नॉट फैंटेसी, इट इज नॉट फियर, इट इज नॉट ग्रीड, बट द वे इज अंडरस्टैंडिंग, द वे इज रिमेम्बरेंस, द वे इज स्मृति। स्मृति दिलाई बाबा ने कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ही ये है। ये इतनी बड़ी स्मृति है कि इसमें स्थित होते ही आत्मा ने तुरंत स्वीकार कर लिया, हजारों आत्माओं ने। दादियों को क्या पता था ये सब बातें, क्या दादियों ने स्टडी किया था सिगमंड फ्राइड को और पाश्चात्य जगत और इस जगत की फिलॉसफी को, इन्होंने, उनको तो ये सब कुछ नहीं पता था। उनको बाबा ने आके बता दिया बस कि तुम देवता थे, और तुरंत स्वीकार कर लिया बिना किसी डाउट के, संपूर्ण स्वीकृति कर लिया, सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रहार हुआ और तुरंत ये स्वीकृति हुई और तुरंत जीवन पवित्र हो गया। वो सब करने की आवश्यकता ही, समझने की आवश्यकता, तुरंत स्वीकार हो गया, क्योंकि स्मृति दिला दी सीधा
कि तुम वो थे, तुम ये थे, तुम ये थे। किसी ने, कोई दादी ने प्रश्न नहीं पूछा कि हम कैसे माने हम देवता थे, हम ये थे, हम वो थे, हमको ये सब। किसी ने तर्क वितर्क नहीं किया। तर्क वितर्क करने वाले जब आए तब तक यज्ञ स्थापित हो चुका था, वो धारणाएं इतनी प्रबल स्थापन हो चुका था। जब 50s में सारे भाई और वो सब आए, वो सब बाद की बात है, तब तक ये सब हो चुका था। इतनी तपस्या हो चुकी थी, भट्टी से निकल चुके थे, अब इतने पाप पवित्र हो चुके थे, वो शक्ति बन चुकी थी ब्रह्मचर्य। अब वो तर्क वितर्क करे तो भी इनके जीवन के सामने उसे झुकना था, क्योंकि वो प्रैक्टिकल स्वरूप वहां तक बन चुके थे। तब कोई प्रश्न ही नहीं था। फिर तो अब प्रश्न ये था कि इसको ये जो हुआ ये कैसे हुआ, फिर इसकी स्टडी करो ये हुआ कैसे। उन्होंने स्टडी नहीं की, पहले वालों ने, फर्स्ट जनरेशन ने स्टडी नहीं की, वो सीधा स्वरूप बन गए। सेकंड जनरेशन जो आई, फिर उन्होंने स्टडी चालू किया, लिखना चालू किया। हाँ, फिर वहां से सेवाएं चालू हुई वहां तक, क्योंकि वहां वो सब टाइम नहीं था। फिर पहले सेवाएं नहीं थी, पहले तो सीधा स्वरूप बनने का था, सीधा धारण कर दिया, तपस्या कर दी और स्वरूप बन गए। अब फिर जो सेवाओं का दौर चालू हुआ, किताब लिखने का दौर चालू हुआ, तर्क और दुनिया को कैसे समझाया जाए। पहले ये संकल्प थोड़ी ना था कि दुनिया को जाकर समझाए, उनको तो पता ही नहीं था ऐसा कभी करना भी पड़ेगा कि हमको ये दुनिया को जाकर समझाना है। बस बाबा के साथ जाना है, अगली दिवाली नहीं आएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट थे, ये सारा सम्मोहन जैसे हो गया एक रीति से, सामूहिक सम्मोहन, कम्युनल हिप्नोटिज्म, एक मेस्मराइजेशन हो गया कि जिन्होंने बिल्कुल स्वीकार कर लिया, ये सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चले गए बाबा के एक एक बोल, एक एक वाक्य, जो कि अभी दिल डालने में इतना पुरुषार्थ है, अभी बहुत मुश्किल है, तब सहज हो गया सब कुछ। सम्मोहन, कम्युनल हिप्नोटिज्म एक रीति से, स्पिरिचुअल हिप्नोटिज्म, पर वास्तव में यही हिप्नोटिज्म है। ऐसा बनना है, तुरंत लक्ष्य दिया गया। ये जो हिप्नोटिज्म जो हुआ ना, एक्चुअली पॉजिटिव हिप्नोटिज्म हुआ, वास्तविक हिप्नोटिज्म हुआ। विवेकानंद जब विदेश में गए थे तो लोग उनको कहने लगे, अच्छा बड़ा आए है तुम, क्या हमको हिप्नोटाइज करने आए हो यहाँ पर? अपनी भारत की फिलॉसफी, भारत का संदेश लेकर पहला जो व्यक्ति है विदेश गया वो स्वामी विवेकानंद है। उसके पहले आज तक कोई गया नहीं था, उसके बाद सबका जाने का दौर चालू हुआ। पहला जब वो गए तो सबने उनको ये कि यहाँ हिप्नोटाइज करने आए हो? उन्होंने कहा, यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, कि तुम देह हो, मैं तो आपको डी हिप्नोटाइज करने आया हूं कि यू आर नॉट बॉडी बट सोल, यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज। वैसे हम आत्माएं जो पहले से हिप्नोटाइज हो गए थे कि हम देह है, हम देह है, देह माया ने हिप्नोटाइज कर दिया था, सम्मोहन कर दिया था, और भगवान ने आके फिर डी हिप्नोटाइज किया, तुम वो नहीं तुम ये हो, तुम वो नहीं तुम ये हो। सारी मुरलियों में यही बातें हैं, पहले की साकार मुरलियों में। ओम शांति। आज की